कुतुब मीनार हो या ताजमहल हो, हर तरफ तो आग लगी है। देखिए तारीफ की बात तो भूल जाइए, बीजेपी वाले अगर तारीफ करेंगे ऐसा सोच रहे हैं तो आप जो है अमावस्या रात जो है कुछ ढूंढने जा रहे हैं, छोटी सुई ढूंढने जा रहे हैं। वो वाजपेयी थे, बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा था या कहिए जनसंघ था उस समय जब वाजपेयी जैसे नेता था, जब इंदिरा गांधी की उन्होंने तारीफ की थी और दुर्गा कहा था बांग्लादेश जब अलग हुआ था तब। अब तो वो बात भूल जाइए, बीजेपी का जो पूरा का पूरा एजेंडा है, हमारे गांव में कहावत है चित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाप का। तो ये जो है बीजेपी वाले लोग जो है चित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाप का में लगे हुए हैं। ये सत्ता में आए थे ये कह करके कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के राज्य में सब गड़बड़ है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज वो क्या कह रहे हैं, आज महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, भ्रष्टाचार का भी लेवल बहुत ज्यादा है। अभी आप देखिए आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि रेलवे पहली बार घाटे में आ गया है। रेलवे घाटे में नहीं आया करता था, रेलवे इस बार बहुत बड़े घाटे में। तो ये जो कहते हैं ये तो मुहावरे भी नहीं समझते, ये भाषा नहीं समझते। इनके पास जो लोग हैं जो साहित्यकार हैं वो भी उतने महान महान लोग हैं जिनको भाषा की पता नहीं कितनी ज्यादा समझ है। तो किरातन तेल की जो उन्होंने बात कही है राहुल गांधी ने, उसको स्पष्ट भी किया, क्लियर किया। देखिए उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई का जो हाल है, देश की जनता जिस तरह से दुखी है, परेशान है, नाराज है, श्रीलंका का भी उल्लेख किया कि श्रीलंका वाली स्थिति न बन जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष की जिम्मेदारी यह है कि वहां संयम से काम हो। ये तो किरासन तेल तो जो छिड़का है बीजेपी ने उसमें आग न लगे इसके लिए राहुल गांधी ने कहा है कि हमको सही तरीके से ये एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा जहां गुस्से को सही दिशा में ले जाया जा सके। उसके बाद राहुल गांधी एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि वो कहते हैं जो 60-70% जनता है जो बीजेपी को वोट नहीं करती है, हम उनके सामने जाएंगे, उनको उनसे अपनी बात रखेंगे और उनको जोड़ेंगे। उसमें अभी देखिए जिसे जब उदयपुर में से हुआ था शिविर तो उसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष के साथ हम नहीं है या विपक्ष विचारधारा उनके पास नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें देखिए उन्होंने कहा है कांग्रेस और विपक्ष दोनों मिलकर के 60-70% जनता के साथ काम करेंगे। तो देखिए एक बात तो अब जिसे हम लोग समझ रहे हैं और राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो 35-40% जनता जो बीजेपी का कोर वोटर बन चुकी है, जिनके पास हिंदुवाद जो है जिनके पास ये सबसे बड़ा एजेंडा है, उसको वो समझ रहे हैं कि समझाना आसान नहीं है। पहले हमको उनको टारगेट करना है जो 60-70% जनता बीजेपी के खिलाफ है। तो ये एक अच्छी बात, एक दृष्टि दिखाई पड़ती है साफ साफ। फिर देखिए वो कह रहे हैं कि जो महंगाई की जो उन्होंने बात कही है, आप बीजेपी क्या कर रही है अभी, क्या 200 रुपए क्यों कम कर दिए उसने दाम, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों कम कर दिए, अगर किरोसिन तेल नहीं छिड़का हुआ है देश में तो कम क्यों कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, उनको तो बढ़ाते जाना चाहिए था। क्योंकि अभी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है ना, तो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री ने अभी भाषण दिया 2 दिन पहले, अपने 25 साल का एजेंडा रखा अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उन्होंने क्या कहा। आप ये देखिए एक बेसिक फर्क है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी रही जिसमें नेहरू और गांधी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे। बीजेपी जिसको लीड कर बीजेपी जिसको आज लीड कर रहे हैं मोदी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन, उनके दर्शन और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनके दर्शन को लेकर के हमको आगे बढ़ना। तो गांधी और नेहरू का दर्शन चिंतन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दर्शन चिंतन, ये अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि बीजेपी देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है और कांग्रेस की दिशा क्या थी। तो राहुल गांधी या उनके साथ जो और भी नेता गए हैं, कई पार्टियों के जो नेता गए, ये चुरी साहब गए हों या मनोज कुमार झा गए हों या और जो भी लोग गए मोहित्रा गई, वो एक ये भी साबित करता है कि विदेश में ये लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जो चल रहा है उससे विदेश में भी लोग चिंतित हैं और उनको लग रहा है कि भारत में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का माहौल चल रहा है, सरकार जिस तरह से साथ है, खासकर के ज्ञानवापी का जो मसला हुआ है, ज्ञानवापी के बाद ये मसला और तेजी से बिगड़ा है दुनिया के सामने कि ये बिगाड़ रहे हैं सौहार्द। 1948 से जो अयोध्या का मसला था उसका एक समाधान जिस तरह से ढूंढा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम जो है निर्णय दे रहे हैं किस आधार पर दे रहे हैं, तर्क के आधार पर नहीं दे रहे, आस्था के आधार पर दे रहे हैं। तो क्या न्यायालय अब आस्था के आधार पर चलेगा, और आस्था के आधार पर चलेगा तो क्या आस्था सिर्फ एक धर्म विशेष की आस्था को महत्व दिया जाएगा या दूसरे लोगों के विचारों को भी महत्व दिया जाएगा।
दूसरी बात, अभी देखिए प्रोफेसर रतन कुमार को, रतन लाल जी को अरेस्ट किया गया कि शिवलिंग के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या बोल दिया। ये जो बातें बोली है कोई पहली बार थोड़ी कही गई है, हमारे शास्त्रों में बड़ा खुलकर इन चीजों को लिखा गया है। अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या बीजेपी अंबेडकर के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती है, बोल सकती है? नहीं बोलेगी। इसके अलावा एक और मैं देख रहा हूँ, संसद में अभी जो लोकसभा के सांसद हैं वो इनके बीजेपी के ही, उन्होंने क्या कहा था, राम को रम से राम की तुलना की थी, है ना, विस्की से किसी की तुलना की थी। तो इस तरह के लोग जो है जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो बड़े सही धार्मिक व्यक्ति हो जाते हैं, राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी पार्टी से दूर का व्यक्ति कोई बोल रहा है, और खास करके जब कांग्रेस के राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, उनके सामने सबसे बड़े अवरोध राहुल गांधी है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना जो चाह रहा है, या हिंदू राष्ट्र भी नहीं कहिए, ये एक अराजकता का माहौल जो खड़ा करना चाह रहा है, जो ये चाह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ जो है मंदिर की बात हो, बाकी किसी चीज की बात ना हो। मंदिर के अलावा ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, ये रोजगार पे बात नहीं करते हैं, ये शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं, ये किसी भी जनता की जुड़ी समस्याओं पे बात नहीं करते हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है मंदिर, और अगर बात होती है तो क्या होती, इसका निजीकरण कर दिया। अब देखिए राहुल गांधी अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं अडानी और अंबानी की। इस देश में सबकी संपत्ति घटती जा रही है, आम आदमी बेचारा गरीब होता जा रहा है। आज आप 200 रुपया क्यों सिलेंडर पे कम कर दिए, आपको लगा ना कि लोगों की परचेजिंग पावर घटी है, आप क्यों घटा रहे हैं? लेकिन आप जिन उद्योगपतियों के साथ हैं उनका परचेजिंग पावर, या कहिए उनकी संपत्ति कितनी गुणी बढ़ी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप जो है लगातार आप 45,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 50,000 स्कूल बंद कर दिए गए एक साल में, सरकारी स्कूल इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 45 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल करके वापस सरकारी स्कूलों में चले गए, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। आप बात क्या कर रहे हैं, पूरे पूरे तौर पे आप केवल मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद को आप अगर फिर से मंदिर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि अगले 25 साल तक फिर यही एजेंडा चले, ये काशी के बाद फिर मथुरा लेकर के आएंगे? तो इस तरह के एजेंडे का विरोध अगर सही तरीके से कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी इसीलिए इनके लिए सबसे बड़ा और खतरनाक कांटा है, इसलिए राहुल गांधी पे हमला करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बातें कही हैं उन बातों से स्पष्ट होता है कि जो उदयपुर में जो भ्रम की स्थिति लोगों को लग रही थी वो क्लियर है, और राहुल गांधी बहुत स्पष्ट हैं कि हमें किस दिशा में किस तरीके से जाना है। और मुझे बहुत अच्छी लगी बात ये कि वो किरोसिन तेल की बात कर रहा है, किरोसिन तेल ही उन्होंने बल्कि कम बोला है, ये पेट्रोल की हालत है। आज जनता कब श्रीलंका, हम पिछले चर्चाओं में भी बात कर चुके हैं कि श्रीलंका के हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन गांधी नेहरू का देश है इसलिए वो स्थिति बनेगी नहीं, अहिंसा वाला देश है ये। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने वही कहा है कि हम जो है जनता के गुस्से को सही दिशा में ले जाएंगे और लोकतंत्र को सही तरीके से स्थापित करेंगे, सामाजिक जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बना के रखेंगे। जी प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी